हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल मारो लाइट में। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कैरम नाटी के बारे में। कैरम नाटी बहुत दिनों से अपने फर्स्ट चैनल में वीडियो अपलोड नहीं कर रहे थे एंड फाइनली उन्होंने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी में ये पोस्ट किया। तो चलिए मैं आपको इंस्टाग्राम की स्टोरी दिखा देता हूँ। बन रहा है। तो चलिए अब अगली न्यूज़ के बारे में बात करते हैं। और अगली न्यूज़ YPN व्लॉग्स एंड थगिज के बारे में। YPN मॉब्स थगिज को रिप्लाई करते हुए अपने यूट्यूब चैनल में एक वीडियो पोस्ट की है। तो चलिए मैं आपको उस वीडियो की छोटी सी क्लिप प्ले करके दिखा देता हूँ। ये अपनी H2 और ये अंकल आरेट, दोनों अंकल रेंट की हैं। तो अब क्या निकालने वाले, जल्दी से बताओ। रेंटेड या लीज वाली निकाल कुछ भी। भाई देखो, या तो H2 रेंट निकाल लेते हैं जब वो रेंटेड है और लीज वाली आरेट है। तो लीज वाले निकालते हैं। 10-12 लाख रुपए की लोग परचेज करके सोचते हैं कि लीज पे ले ली है। H2 ली तो सोचा लीज पे ली, R8 ली तो लीज पे ली। हमारे नाम दोनों गाड़ी ट्रांसफर हो गई हैं। लोग तो ये भी सोचे GLA भी हम लोगों ने, A-Class भी हम लोगों ने, सब रेंटेड। चिराग भी अब भी देखो ऐसे मत बोलो लीज बार बार। देखो अभी वीडियो आ रही होगी, शाम को आ रही होगी, पता चले तो मेरे भी आ जाएगी, दिक्कत हो जाएगी। दोनों एडवोकेट हो, संभाल लेना। संभाल लेंगे कोई, ठीक है। तो चलिए अब अगली न्यूज के बारे में बात करते हैं। और अगली न्यूज एलविश यादव एंड समीर मार्क की तरफ से। समीर मार्क ने एलविश यादव के अगेंस्ट एफआईआर फाइल कर दी है एंड उसी से रिलेटेड एलविश यादव अपने इंस्टाग्राम में ये पोस्ट किए। और भाई जो जो पूछ रहा वीडियो का, भाई वीडियो कल आएगी, ठीक है। कल मिलते हैं फिर नई वीडियो के साथ। टॉपिक भी पता तुम्हें, सारी चीज पता चल रहे हैं ब्रो, सारी चीज तुम्हें पता है, ठीक है, कल मिलते हैं फिर। तो चलिए अब अगली न्यूज के बारे में बात करते हैं। और अगली न्यूज है सम्राट भाई की तरफ से। सम्राट भाई ने समीर मार के ऊपर रोस्ट करते हुए अपने यूट्यूब चैनल में एक वीडियो अपलोड की। तो चलिए मैं आपको उस वीडियो की छोटी सी क्लिप प्ले करके दिखा देता हूँ। फैशन इन्फ्लुएंसर थे तो मैं तुम्हारी रिस्पेक्ट करता था, बट जो थोड़ा बहुत भी सक्सेस होता है उसके ऊपर क्रिटिज्म दिया जाता है, उसको रोस्ट किया जाता है, उसको क्रिटिसाइज किया जाता है। आपके फील्ड के भी काफी बड़े बड़े क्रिएटर्स हैं, लाइक फेसबुक को ले लो, हसनैन को ले लो, लकी डांसर को ले लो, मेरी उंगलियां खत्म हो जाएगी। इतने सारे क्रिएटर जो कि आपसे बहुत बड़े हैं, बहुत ज्यादा बड़े, उनके ऊपर डेली लोग रोस्ट बनाते हैं और रोस्ट की नहीं डेली उनको हैरेस करते हैं, लेकिन वो लोग कभी रिस्पॉन्ड नहीं करते क्योंकि उनके अंदर ना एक चीज है जो आपके अंदर नहीं है, उसको कहते हैं मैच्योरिटी। जब वो लोग मुझे जाने लगे, वो लोग गाली वाली देने लगे, तो मुझे ये नेगेटिविटी मुझे चाहिए नहीं। तो मैंने अदनान के सामने से बोला, अदनान के फॉलोअर छपरी और अनपढ़ हो सकते हैं लेकिन मेरे नहीं, मेरे बारे में मत कहना। सॉरी अदनान तो आपका फैन होगा जैसे मैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना सा ही, मैं मिलूंगा आपको अगले वीडियो में। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना और नोटिफिकेशन बेल को दबा देना। तो मैं मिलूंगा आपको अगले वीडियो में।